नमस्कार। कुहाजाए सारा जगत शिवमय और ए समग्र सृष्टिर प्राण बा चैतन्य शक्ति होउछंती मा। शक्ति बिना शिव भी सब, से प्राणी हो उद्भिद जड़ हो बा चेतन, सब भितरे थिबा मौलिक शक्ति होउछंती मांकर रूप। से साक्षात ज्योति प्रभा, ज्योति स्वरूप हेउछि तांकर आद्य स्वरूप। आज आम आपको एमती स्थान को नहीं जीव जो मां विराजमान कर आद्य स्वरूप ज्योति रूप से आसतु जीवा कांकड़ा आ दर्शन करने ज्वाला मां को। आज देवी दर्शन आम जीवा ज्वाला मां पीठ को। यह एमती एक शक्तिपीठ जो मां अपूर्व अलौकिक लीलार प्रत्यक्ष अनुभव समस्त भक्त नहीं पारे। एठी ना घी ना तेल ना दीप अच्छी, किंतु दिन परे दिन वर्ष परे वर्ष सह सह हजार हजार वर्ष हेब जली चली ज्योति। अखंड ज्योति रूप से निजे आविर्भाव होती मां। आज यात्रा रे आमे दर्शन करिबा ज्योति रूप से श्रद्धालु को दर्शन देउथबा एही मां को, जहांकर ना ज्वाला मां। मां हिमालय पुत्री आविर्भाव होती हिमालय कूल हिमालय प्रदेश रे। आसंतु ताहले जीवा ज्वाला मां को दरबार को। पूर्वर अखंड भारत बा एबेकार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि स्थान रे रहिछि 52 शक्तिपीठ। प्रति शक्तिपीठ रे रहिछि मां को शक्तिर प्रत्यक्ष प्रमाण। ए समस्त शक्तिपीठ रे मां मूर्ति बा विग्रह रूप से दर्शन देथांती, किंतु एमिती एक शक्तिपीठ रही जेउंठी मां उभा होइछंती निजर आद्य स्वरूप रे। जय ज्वाला मां मन मेरा भोले ज्वाला मां, जय ज्वाला मां, जय ज्वाला मां मन मेरा भोले ज्वाला मां। तेरी पावन ज्योति ने, तेरी पावन ज्योति ने संसार में किया उजाला मां। जय ज्वाला मां, जय ज्वाला मां मन मेरा भोले ज्वाला मां, जय ज्वाला मां, जय ज्वाला मां मन मेरा भोले ज्वाला शक्ति स्वरूपिणी उभा होती शक्ति बा ज्वाला रूप से। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मध्यरु अन्यतम मां ज्वालामुखी पीठ रही हिमाचल प्रदेश कांगरा जिला अंतर्गत कालीधार पर्वत। हिमाचल प्रदेश प्रमुख सहर धर्मशाला जिला मुख्यालय मात्र 50 किलोमीटर दूर से रही मां आस्थान। प्रकृति कोल में सुंदर मनोरम परिवेश रही मां मंदिर और दरबार। मुख्य मंदिर चतुष्कोणाकृति उपरे गोलाकार छत्री तापुणी धातव चादर द्वारा आवृत। प्रतिवर्ष देश व देश बाहर लक्षाधिक पर्यटक श्रद्धालु व भक्त मां को दर्शन पाई एठा को आसी थांति। अन्य शक्तिपीठ तारु किंतु यहां संपूर्ण भिन्न अटे। एठी मां मूर्ति नुहे बरं ज्योति रूप से श्रद्धालु को दर्शन दियंती आउ जहां को देखिबा को दूर दूरांतर एठा को टाणी होई आसंती श्रद्धालु। पावन ज्योति ने, तेरी पावन ज्योति ने संसार में किया उजाला मां। जय ज्वाला मां, जय ज्वाला मां मन मेरा भोले ज्वाला मां, जय ज्वाला मां, जय ज्वाला मां मन मेरा भोले ज्वाला। सब शक्तिपीठ भली मां को इठारे आविर्भाव पछरे भी रहिछि स्वतंत्र आख्यायिका। 52 शक्तिपीठ रे जीव भली देवी सती को विभिन्न अंग पड़ीथिला, से भली इठारे भी पड़ीथिला मांकर एक स्वतंत्र अंग। तबे कौन पाई मां एठारे ज्योति रूप से आविर्भाव हेले ता पछरे भी रहिछि स्वतंत्र कारण। एठारे किभले निर्माण हेला मांकर आविर्भाव आसंत जानिबा। संग लेकर जब दिल्ली से लगा गुजरने, देखी 1000 की टोली पहलकार घबराए। वो भक्तों को बांध के अकबर के दरबार में लाए। घोड़े का सिर काट के अकबर बोला के ऐ जानू, तेरी माँ की शक्ति ये सिर जोड़े तो मैं जानू। जय ज्वाला मां, जय ज्वाला मां मन मेरा भोले ज्वाला मां। किंवदंती अनुसारे सतींकर पिता दक्ष निज झियो व महादेव को यज्ञ रे अपमानित करिथिले।
आउ एथिरे दुखित होई यज्ञ कुंडरे आत्माहुति देथिले देवी सती एथिरे क्रोध जर्जरित होई देवी सतीक मृतदेह को कांधरे रखी तांडव आरंभ करथिले महादेव महादेवक क्रोध को न रोकिले ध्वंस पाई जीव सारा ब्रह्मांड सेति पई महादेवक क्रोध को शांत करबा को सुदर्शन चक्र छाडीथिले भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र सतीक मृतदेह को 52 खंड कर देथिला तांको शरीरर 52 खंड भिन्न भिन्न स्थान रे पडिथिला जाकी 52 शक्तिपीठ नाम रे परिचित कुआ जाय कांगरारो एही स्थान रे पडिथिला मांको जिहा आसंत एबे जानिबा मा ज्वालामुखीक मंदिरर महिमा व पौराणिक मान्यता संपर्क रे ओ दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था उसमें उन्होंने पार्वती को आमंत्रित नहीं किया और उसने बड़ी जिद करी कि मैं जाऊंगी तो शिव जी ने उसको मना किया कि बिना निमंत्रण के कहीं भी जाना अपमान होता है लेकिन वो कहने लगी कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ और इसमें मेरे को आमंत्रण की जरूरत नहीं है और वो हट के बल वहाँ पर चली गई लेकिन वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के प्रति उनको कोई सम्मान ही मिला ना ही उनको वहाँ स्थान रखा हुआ था इस वजह से देवी को बड़ा क्रोध हुआ और उसने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया जय ज्वाला माँ मन मेरा भोले ज्वाला माँ तेरी पावन ज्योति ने संसार में किया उजाला कालीधारो पर्वतरे जेतेबेले देवी सतींकर जिभा पड़िला सेतेबेले एठारे सृष्टि हेला एक बड़ ज्योतिपुंज खबर पाई निजे राजा भूमिचंद्र मांकर दर्शन पाई पहुंचीथिले कालीधारे राजा भूमिचंद्र ही एठारे निर्माण करथिले भव्य मंदिर आउ मंदिरर पूजा व दान दक्षिणार अधिकार भोज वंश को देथिले राजा एबे मंदिर राज्य प्रशासन अधीनरे अछि किंतु पूजार दायित्व आज भी भोज वंश पाखरे ही रहिछि पूरे बावन शक्तिपीठों में जो ज्वालाजी स्थान वो दूसरे स्थान पर है वो यहाँ पर महामाई की जीवा गिरी हुई है ये जीवा जीवा जो है अग्नि रूप में प्रज्वलित रहती है और ये इसीलिए यहाँ पर महामाई को जो है लोग ज्योति के रूप में महामाई के दर्शन करते हैं पूरे मंदिर में सात ज्योति हैं माँ का महिमा जगत व्याप्त माँ का महिमार प्रत्यक्ष प्रमाण एबे नुहे जुग जुगरु रही आसी शक्तिशाली मोगल राजा अकबर माँ का महिमा को अविश्वास कला यार प्रमाण मागिला यहाँ भक्त विश्वास परीक्षा भी कला यहाँ पर कौन है आसंतु जानिबा संग लेकर जब दिल्ली से लगा गुजरने देखी 1000 की टोली पहलकार घबराए वो भक्तों को बांध के अकबर के दरबार मिलाए घोड़े का सिर काट के अकबर बोला के ऐ जानू तेरी माँ की शक्ति ये सिर जोड़े तो मैं जानू दिने मोगल राजा अकबर माँ को महिमा संपर्क रे सुनिबा को पाइले आउ ए पवित्र ज्योति को लिभाइबा को आरंभ कले प्रयास प्रथमे ज्योति उपरे झरणा पानी मड़ाई देले वो परे लुहार तावा भी रखी देले फिर वो मैया के दरबार में आया माँ को बहुत पुकारा जब कोई संकेत न पाया ध्यानों ने अपना सिर काटा माँ की भेंट चढ़ाया भक्त पे आया प्यार तो माँ ने चमत्कार दिखलाया घोड़े का सिर जोड़ के ध्यानों को जीवित कर डाला माँ किंतु असफल हेला अकबर को सब प्रचेष्टा आश्चर्य कथा देवी को शक्तिर प्रभाव रे सुखी गला झरणा लुहार तावा भी सही पारला नाही महाज्योतिर महाशक्ति तावा तरली आरपार होइगला दिव्य ज्योति शेषरे हार मानिले अकबर आउ दिल्ली फेरी माँ को लागि पठाइले सुनार छत्र किंतु राजा जितेबेले माँ को यहा लागि कराउथिले सेतेबेले अकबर को मनरे अहंकार आसिला तांको मनरे भावना सृष्टि हेला से मुसलमान होई मध्य माँ को लागि एते बड़ कार्य पिघल गए लोहे के तवे पर ज्योत न बुझने पाई जल में ज्योत डुबोने को फिर नहर गई खुदवाई बहते पानी पर भी ज्योति देने लगी दिखाई ये कैसी ज्योति है अकबर को थी बड़ी हैरानी
लोहा जिसे बुझा पाया ना नहर का बहता पानी। जय ज्वाला मां, जय ज्वाला मां, मन मेरा बोले ज्वाला मां, जय ज्वाला मां। बस यहाँ परे माँ अकबर कर भेटी को अस्वीकार करी देले। सही छत्र क्यों धातु रे परिवर्तित हो गला ताहा आज मध्य रहस्य रे। कुछ पंडित विद्वानों ने जब अकबर को श्रद्धालु को दर्शन पाई यही छत्र आज भी मंदिर रे रखा जाय छी। जब राजा अकबर के मन में ऐसा घमंड आ गया तो माता रानी ने उस भेंट को अस्वीकार किया। उस छत्र को शक्ति से काले रंग का कर दिया, किसी एक धातु का भी नहीं छोड़ा। पावन ज्योति पिलाया, मन के द्वार खुले तो अपनी करनी पर पछताया। शहंशाह अकबर नंगे पांव माँ के द्वारे आया। माँ को लीला और माप केवल अकबर नुहे, हजार हजार वर्ष धरी अनेक माँ को लीला को प्रत्यक्ष करिछंती। आज भी माँ को महिमा को अनेक अनुभव करिछंती, अनेक इहार प्रमाण पाउछंती। माँ निजे शक्तिमय अग्नि स्वरूपा, तेणु ज्वाला माँ का पीठ रे समस्त आराधना अग्नि स्वरूप को समर्पित। एटी होम यज्ञ रो विशेष महत्व रही, मान्यता रही। माँ का पीठ रे करा जाउथवा होम यज्ञ सह समान, खाली सेतिक नुहे, पीठ रे होउथवा पांच प्रकार आरती रो रही विशेष महत्व। अग्नि स्वरूपा माँ ज्वालामुखी दरबार रे होम यज्ञ रही स्वतंत्र महत्व। विश्वास रही पीठ से गोटे होम दस हजार यज्ञ फल प्रदान करे। केवल से नुहे, पीठ से पांच प्रकार आलतीर रही स्वतंत्र महत्व। पीठ से रही देवी स्वरूप को प्रकट करुवा अनेक ज्योति। माँ का मुख्य मंदिर में रही सातटी ज्योति, से भली पूरा मंदिर परिसर में रही एगारटी ज्योति। एठाक आसुवा श्रद्धालु माँ को यही समस्त ज्योतिर दर्शन करी निजर यात्रा को करिथांती सफल। ज्वालामुखी में माता की कोई पिंडी या मूर्ति नहीं, अग्नि के रूप में ज्वाला माता का यहाँ दर्शन है। ये 11 ज्योतियों के यहाँ दर्शन होते हैं, 7 ज्योतियों के दर्शन नीचे मुख्य मंदिर में, 3 ज्योति गोरखडिब्बी में, 1 ज्योति यहाँ 18 भुजा महालक्ष्मी मूर्ति के रूप में यहाँ माता का दर्शन है। एठाकार आउ एक आकर्षण हेउछि गुरु गोरखनाथ कर डिबी। कहुए गुरु गोरखनाथ एठारे माँ को उपासना करथिले, आउ जेतेबेले तांकु भोक लागिला सेतेबेले से खाइबा पाई दुईटी थाली रखिले, गोटिए डाली एवं अन्यटी भात पाई। आउ माँ को कहिले से चाउल व डाली नै आसिबा पर्यंत माँ पानी फुटाउथांतु, किंतु गुरु गोरखनाथ आउ फेरी आसिले नाही। आज भी पानी सेमिति फुटुछि, किंतु पानी गरम बदल रे ठंडा हो जाइछि। विश्वास रहिछि सत्य युग आसिले फेरिबे गुरु गोरखनाथ, आउ पानी पुणि थरे आपे आपे गरम हो जिवो। मां जगतजननी अन्नपूर्णा निजे रांधिबे। मां को नै रहिछि आउ एक रोचक कथा। दिन तमाम श्रद्धालु को दर्शन देवा परे रात्रि रे माँ विश्राम भी नहीं थांती। माँ को विश्राम पाई रही स्वतंत्र शयन कक्ष, जेउठी स्वयं माँ स्वदेह रे विश्राम नियंती बोली विश्वास रही।
मंदिर रे केवल मां को दर्शन नुहे विश्राम पाई करा जैछि स्वतंत्र व्यवस्था एति पाई निर्माण होईछि मां को स्वतंत्र शयन कक्ष जेउठी मां को विश्राम लागि विधिवत्त भावरे पूजा अर्चना करा जाय खाली सोइबा पाई नुह सकाळु मां निदरु उठिबा परे मां को श्रीमुख श्रृंगार लागि स्वतंत्र व्यवस्था करा जाय थाय लोकंक मतरे दिन सारा श्रद्धालु को दर्शन देई सेमानक दुख कष्ट लाघव करथांती मां आ राती रे निजे किछि समय विश्राम नियंती माँ ज्वालामुखी ज्योतिर महिमा अनेक बिना दीप बिना बती बिना घी बिना तेल जलुची माँ को ज्योति केवल एठी नुहे माँ अन्य स्थान को मध्य विजे करी माँ ज्वालामुखी दरबार में माँ स्वयं दर्शन दिखती हजार हजार वर्ष धरी माँ ज्योति सेमिति जलुची नियमित निरंतर अखंड विश्वास रही माँ को पीठ को जी भी आसी से केवे भी खाली हाथ में फेरी ना माँ श्रद्धालु सब मनोस्कामना पूरण करती हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य केतेक राज्यर कोटि कोटि लोकंर कूलदेवी होती माँ ज्वालामुखी ये प्रतिदिन देश तथा देश बाहर श्रद्धालु एठाक आसी माँ दर्शन पर नवरात्र समय माँ पीठ से गहली टी अधिक बढ़े किंतु सब श्रद्धालु माँ पाखे पहुंचे कि दर्शन करिवारे सफल हमें एभली भक्तों पाई मध्य रही माँ दर्शन सुजोग प्रत वर्ष माँ पवित्र ज्योति को श्रद्धालु एठार नहीं था जहाद्वारा माँ दर्शन करद्धालु माँ दर्शन करार सौभाग्य पाई भक्तों कहवा कथा जितेबले से माँ ज्योति नहीं जाती सेतेबले यार दर्शन पर लक्षाधिक लोकों समागम हुए विश्वास अच्छी यह दर्शन करुवा श्रद्धालु मनोस्कामना पूरण हुए एभलिक यार दर्शन में रोगर मुक्ति मिले पांचवी बार ज्योत लेकर ले जाने कार्यक्रम है यहाँ से हम ज्योत लेकर जाते हैं नवरात्रि में व्रत रखते हैं उसके बाद नवरात्रि के बाद एक जागरण करवाते हैं माता रानी उसी के बाद ज्योत का विसर्जन मंदिर में भक्तों सुविधा पाई करा जाएछि समस्त व्यवस्था दर्शन पाई आसुथवा समस्त श्रद्धालु को जेभले कोनसे असुविधा न हुए प्रशासन सेति पाई स्वतंत्र व्यवस्था करिछि पानी जलठू नहीं बसिबा विश्राम नेबार बंदोबस्त करिछि प्रशासन खास करी नवरात्र समय सहरर स्वच्छता पाई ग्रहण करा जाए विशेष व्यवस्था नियोजित होंति स्वतंत्र सफाई कर्मचारी प्रबल भक्तों समागम को दृष्टि रखि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाए सब दुखों की दवा ठंडी शाम पीठरे जळुथवा अखंड ज्योति आजि भी एक रहस्य होई रहिछि खाली हातरे फेरिछंति एठा को गवेषण करबा को आसीथिबा वैज्ञानिक ना ग्यास अछि ना कोनोसी खनिज पदार्थ माँ को ज्योति पछरे थिबा रहस्य आज भी भेद होई पारिनि गवेषणा पाई आसीथिबा वैज्ञानिक 10 किलोमीटर परिधि भितरे अनेक थर गवेषणा करिछंति किंतु एथरो किछु सफल मिलिला नाही सेमानको खाली हाथ रे ही फेरिबा को पड़िछि किंतु माँ को ज्योति हजार हजार वर्ष धरी से भली जळुछि जहा कि आज भी समस्त एक बड़ रहस्य होइ रहि जाइछि हजार हजार वर्ष धरी जळुथुबा माँ को ज्योति आज समस्त एक रहस्य माँ हजार हजार वर्ष धरी एही भली भावरे श्रद्धालु दर्शन देउछन्ति आउ भक्त निज मनस्कामना धरी माँ को दरबार को एभली आसुछन्ति दर्शन करबा पाई नवरात्रि समय माँ का आशीर्वाद आपण वर्षा हो आज देवी दर्शन को ये रखा नमस्कार।